एक घर के उत्ते कुछ बदमाशों के वलों हमला किया गया तो वारदात सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरों के साफ देखा जा सकता है कि तीन तो चार बदमाश जिन्हों के हत्थां दे विच लाठी डंडे फड़े हुए हैं, एक गेट के उत्ते ताबड़तोड़ कई बार किए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एक दोस्त के कहने के उत्ते अगे एक दोस्त को रूम किराए के उत्ते दिता सी, पर वह घर के गंद पाउंदा सी, जिस तो बाद उसनू घर दे विच्चों बाहर कढ़ दिता गया, यानी कि उसदे कोलो कमरा जो उन्होंने वालों दिता गया सी उसनू खाली करवा लिया गया। तो गुस्से दे विच आए कहा जा रहा है कि उस किराएदार दे वालों रात नू कुछ बदमाशां दे नाल उसदे उत्ते हमला कर दिता गया, जिस तो बाद दे विच परिवारक मैंबरां दे विच खौफ दा माहौल है। दूजे पासे हुण इस घटना तो बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई है। तो मामला लुधियाना तो सामने आया, जिथे कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने एक नौजवान के कहने पर एक अगे उसके दोस्त को रूम किराए के उत्ते दिता सी, पर वह घर के गंदगी फैला रहा सी, जिसके कारण उसके कोलो रूम खाली करवा लिया गया। हालांकि उसने 10,000 रुपये भी किराया नहीं दिता, जिस तो बाद दे विच कहा जा रहा है कि उसने आके अपने कुछ बदमाश दोस्तों के नाल हमला कर दिता, जिस तो बाद इलाके दे विच भी सहम दा माहौल है। दूजे पासे पुलिस नूं भी हुण इसकी शिकायत दी गई है, तो पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। एक घर के उत्ते कुछ बदमाशों के वलों हमला किया गया तो वारदात सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरों के साफ देखा जा सकता है कि तीन तो चार बदमाश जिन्हों के हत्थां दे विच लाठी डंडे फड़े हुए हैं, एक गेट के उत्ते ताबड़तोड़ कई बार किए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एक दोस्त के कहने के उत्ते अगे एक दोस्त को रूम किराए के उत्ते दिता सी, पर वह घर के गंद पाउंदा सी, जिस तो बाद उसनू घर के बाहर कढ़ दिता गया, यानी कि उसके कोलो कमरा जो उन्होंने वालों दिता गया सी उसनू खाली करवा लिया गया। तो गुस्से दे विच आए कहा जा रहा है कि उस किराएदार दे वालों रात नू कुछ बदमाशों के नाल उसके उत्ते हमला कर दिता गया, जिस तो बाद दे विच परिवारक मैंबरां दे विच खौफ दा माहौल है। दूजे पासे हुण इस घटना तो बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई है। तो मामला लुधियाना तो सामने आया, जिथे कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने एक नौजवान के कहने पर एक अगे उसके दोस्त को रूम किराए के उत्ते दिता सी, पर वह घर के गंदगी फैला रहा सी, जिसके कारण उसके कोलो रूम खाली करवा लिया गया। हालांकि उसने 10,000 रुपये भी किराया नहीं दिता, जिस तो बाद दे विच कहा जा रहा है कि उसने आके अपने कुछ बदमाश दोस्तों के नाल हमला कर दिता, जिस तो बाद इलाके दे विच भी सहम दा माहौल है। दूजे पासे पुलिस नूं भी हुण इसकी शिकायत दी गई है, तो पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।